हाँ जी बिल्कुल, आज बात करेंगे तालीमी अदारों में ख्वातीन बच्चियों बच्चों से जो हरासमेंट के वाक़यात हैं उनकी तादाद में होशरबा इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तालीमी इदारों की, तो वहाँ पर जिनसी हरासगी के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों लोधरा के एक निजी इदारे में ख्वातीन और मुअल्लिम ख्वातीन के साथ मुबैना तौर पर प्रिंसिपल की ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ख्वातीन से मुतलिक जो है वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं, उनमें अगर बात की जाए तो ना सिर्फ ख्वातीन टीचर्स बल्कि जो है ख्वातीन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रिंसिपल की मुबैना ज़्यादती का शिकार हुई हैं। इनकी एक जो है फहाश किस्म की वीडियोज़ भी जो है सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म पर जो है वायरल हो चुकी हैं। तालीमी इदारों में इस किस्म के वाक़यात जो हैं इंतहाई अफसोसनाक बताए जाते हैं। ना सिर्फ मुल्तान की यूनिवर्सिटी, डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे वाक़यात जो हैं रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर बात की जाए लोधरा के इस इंस्टीट्यूट की, तो मुस्तफ़ा नामी ये शख्स है जिसकी ख़वातीन मुअल्लिमा और ख़वातीन स्टूडेंट्स के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होने का वाक़या सामने आया था, जिस पर पुलिस थाना कुरेशी वाला ने मुकदमा का अंदराज करके मुलजिम मुस्तफ़ा को गिरफ़्तार कर लिया है, जो मुबैना ज़्यादती के मुकदमा में मुलव्वस है और इसके खिलाफ मुतद्दिद ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने और उनकी वीडियोज़ बनाने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। अगर बात की जाए इसके साथियों की, तो दो करीबी साथी हैं जो इस वाक़े में मुलव्वस है और इन्हें भी मुकदमा में जो है मुलजिम ठहराया गया है। एक खातून के वालिद की जानिब से जो है पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मुतलका अदालत से हासिल किया गया। मुलजिम का मोबाइल जो है वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। मुलजिम के पास जो मौजूद दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनकी मदद से भी ख्वातीन की जो वीडियोज़ हैं उनकी बरामदगी का सिलसिला जारी है, ताकि ये बात पता लगाई जा सके कि मुलजिम ने किस तरह से ख्वातीन की वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पे वायरल की, उसके पीछे उसके क्या मकासद थे और उसके जो नतीज थे उस पर मुलजिम को जो है म्यूज़िक फेस करना पड़े। अब इसी वजह से जो है पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है और ख्वातीन की दरख्वास्त पर कार्रवाई की जा रही है। अगर इसी तरह के वाक़यात की बात की जाए तो पाकिस्तान भर में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में भी हरासमेंट के जो वाक़यात हैं इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स पर जो है कार्रवाई भी होती है, लेकिन कई ऐसे वाक़यात हैं जिन पर कार्रवाई भी नहीं हो रही और ख़वातीन से ज़्यादती और इनके साथ हरासमेंट के जो वाक़यात हैं ये कुछ नए नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज़ ब रोज़ होने वाले इजाफे के खिलाफ जो है शहरी सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर जो इदारे हैं वो भी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि ख़वातीन से ज़्यादती के मुतल्लिक जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए जो है भरपूर इकदामात उठाए जाएं। इनके लिए जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स भी बनाई गई थी, ताकि जो मुलजिमान को जल्द से जल्द और करार वाक़े सज़ा दिलवाई जा सके, लेकिन इन वाक़यात की तादाद में कमी नहीं लाई जा सकी। इस पर भी कानून साजी की ज़रूरत है और निजी तालीमी इदारे और तालीमी इदारों में जो एंटी हरासमेंट कमेटीज़ हैं इनको फॉल करने और इनके फॉल करने के साथ साथ जो मुलविस मुलजिमान हैं उनको सख्त सज़ाएं देने का जो है कानून मुतारिफ़ कराया जाए, ताकि जो जिनसी भेड़िए हैं, इंसानी शक्ल में मौजूद भेड़िए जिनसी दरिंदगी का शिकार होने वाली ख़वातीन को जो है इंसाफ मिल सके। आज की वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख के आगे शेयर भी कर दें।